पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लेकर के आया हूँ। इंग्लिश में आपको पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को नरेशन बताया था, इसके टू पार्टीशन मैंने बताया था, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने वहां टेबल, प्रोनाउंस टेबल बताया हुआ था कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, इनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, प्रोनाउन क्या क्या कैसे होते हैं, उसके बारे में मैंने पहली क्लास में चर्चा किया था। तो आज दूसरी क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बच्चा कि नरेशन में कौन कौन से टेंसेस परिवर्तन होते हैं और कितने टेंसों का इनडायरेक्ट बनता है। ध्यान रखना, वो छह टेंसों की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन छह की आपकी नरेशन बनती है। और ये परिवर्तन होते समय किस टेंस में पहुंचते हैं, कहां जाते हैं, उनके बारे में। तो ध्यान रखना, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या है साथियों, पास्ट इंडेफिनिट जाता है कहां, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहां जाता है, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इन्हीं छह की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। जब फ्यूचर में आप पहुंचेंगे बच्चा, तो फ्यूचर में क्या होगा, शैल को शुड में और विल को उड में, सब्जेक्ट के अनुसार, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। अब बच्चों, बात ये भी आती है कि प्रोनाउन कैसे बदलता है, कौन, प्रोनाउन। अब एक बात बताओ, प्रोनाउन में हमेशा एक बात ध्यान रख लो, एक बात हमेशा दिमाग बैठा लो, सन, क्या, सन, सन मतलब ए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, समझ पा रहे हैं, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सन सब को याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए, छह टेंसों की इनडायरेक्ट स्पीच कितने टेंसों की, छह टेंसों की बनती है। कौन किसमें कन्वर्ट होता है वो भी बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है बच्चों। अब हम ले चलते हैं आपको कि कब इनकी नरेशंस बनती है, कब नहीं बनती, ठीक है, इसकी ओर आपको ले चलते हैं। तो बच्चों, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी कुछ नोट्स हैं आपके सामने, इसके कुछ नोट्स हैं, ध्यान रखना क्या है। फर्स्ट नोट्स में क्या रखा है कि जब हमारी आरवी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, तब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा हूं, जब हमारी आरवी, आरवी का क्या मतलब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमारी आरवी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, बच्चा प्रेजेंट के चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से किसी में भी हो, कौन, हमारी आरवी, ठीक है, तब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके टेंस में, आरएस के टेंस में, आरएस मींस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा नोट्स क्या है कि जब हमारी आरवी पास्ट के भी, सॉरी यहां गलत लिखा है, जब हमारी आरवी फ्यूचर, ठीक है, जब हमारी आरवी फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो,
तब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जब हमारी आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, कब परिवर्तन होगा उसकी तरफ नोट नंबर थर्ड में दे रखा है। जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट में चार है, किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। बच्चा मैं इसका एग्जांपल लेकर दिखाता हूं फर्स्ट नोट का। जब हमारी आरवी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, जैसे लिखा है बच्चा ही सेज टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहां लिखा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ द चिल्ड्रेन। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। ध्यान रखना बच्चा क्या कह रखा है, ही सेज टू मी, ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, टू मी मीन्स मुझसे, वह मुझसे कहता है, एक कामा मीन्स की, बच्चा एक कामा लगा है और यहां से जो सेंटेंस है वो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि आरवी किसे कहते हैं और आरएस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आपको यही बताते हैं, सिंगल कामा के तहत जो सेंटेंस होता है ये आपका आरवी है। ये क्या है, आरवी। ठीक है, इधर का सेंटेंस क्या है, आरवी। लेकिन आरवी हमेशा इधर ही नहीं होती, इस राइट हैंड में भी हो सकती है। लेकिन बात ध्यान रखना, उधर भी होगी तो भी बच्चा सिंगल कामा के तहत होगी। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं नोट सेकंड के एग्जांपल्स की तरफ। ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब हमारी आरवी फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे बच्चा, जैसे यहां लिखा है आई सेल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई सेल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा रवि हैज प्लेड विथ मी। तो इसमें क्या है बच्चा, मैंने कहा है आपकी आरवी है और ये क्या है, आरएस है। कैसे, आरवी जो है सिंगल कामा के तहत होता है, आरएस डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है। निश्चित नहीं है कि आरएस इधर ही हो सकता है, इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसे जब हल करेंगे क्या होगा, आप देख रहे हैं हमारी आरवी किसमें है, फ्यूचर में है, इसका मतलब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों इसे लिखेंगे आई सेल, इसका अर्थ क्या है, आई सेल से, आई मीन्स मैं, सेल से कहूंगा, आई सेल से मैं कहूंगा, एक कामा मीन्स की, रवि हैज प्लेड खेल चुका है विथ मी मेरे साथ। इसका मतलब रवि मेरे साथ खेल चुका है। बच्चा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई सेल से को टेल में क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। रवि किस पर्सन का है, रवि थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन नाम जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, टेबल मैंने आपको बताया है उसे सही से पढ़िए, तो थर्ड पर्सन का करता नो चेंज मतलब रवि नाम है, कैपिटल लेटर ही रहेगा। हैज टेंस में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। प्लेड ये भी कोई परिवर्तन नहीं, प्लेड विथ ये हो गया विथ मी, यहां क्या आ गया बच्चा, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई किस पर्सन के तहत आता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता था, सब्जेक्ट के पास, किसके सब्जेक्ट के पास, आरबी के सब्जेक्ट के पास। उसी तरह से मी भी जाएगा किसके पास, आरबी के सब्जेक्ट आई के पास।
तो आई का भी तो ऑब्जेक्ट मी ही होगा, तो यहां मी ही रहेगा। समझ पा रहे हैं, फुल स्टॉप। तीसरा नोट आपका क्या था, तीसरा ये दूसरे का एग्जांपल था, तीसरा था कि जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे, एक बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है यहां लिखा है कि यू सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वी हैव जंप्ड, वी हैव जंप्ड इन टू द वेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। बच्चा इसका क्या अर्थ है, कह रखा है यू सेड टू मी, यू मीन्स तुमने, सेड टू मीन्स कहा, मी मीन्स मुझसे, तुमने मुझसे कहा, या यू मीन्स आप भी होता है, आपने मुझसे कहा, एक कॉमा मीन्स कि वी हैव जंप्ड इन टू द वेल, वी मीन्स हम, हैव जंप्ड कूद चुके हैं, इन टू मीन्स में, द वेल मीन्स कुआं, मतलब हम कुएं में कूद चुके हैं, हम कुएं में कूद चुके हैं। तो बच्चों जो आपकी आरवी है, या आपकी आरवी है, तो जो आपकी आरवी है पास्ट में है, देखो यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट के किसी भी टेंस में अगर हमारी आरवी होगी तो आरएस के टेंस में तुरंत परिवर्तन होगा। अब कौन टेंस कहां जाएगा, अभी ऊपर की सारणी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो होगा क्या, यहां हो जाएगा यू, ये हो जाएगा बच्चा यू, सेड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में, सेड टू बदलता है टोल्ड में, ये ऑब्जेक्ट है, मी लिख लेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के पास लगेगा दैट। अब बात आती है वी किस पर्सन का करता है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, वो हमेशा आरवी के सब्जेक्ट के पास जाते हैं, तो फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो वी गया किसके पास, यू के पास, तो बच्चा वी गया यू के पास, क्या बनेगा, यू, ठीक है। जिसके पास जाता है वही बनकर लौटता है, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। यू गया, वी गया यू के पास, क्या बना, यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो भाई वी फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, जिसके पास जाता है वही बनकर लौटता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपका यहां पर आया हैव, क्या आया, हैव, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहां जाता है, सीधे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, केवल एक ही सहायक क्रिया है, हैड, यहां क्या लगेगा बच्चा, हैड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही लगेगा। यहां लिखा है जंप्ड, जंप्ड आगे है इनटू द वेल, इनटू द वेल, फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों। ये रहे आपके आज के नोट, तो नोट में मैंने बताया, अब आपने नोट नंबर 3 में पढ़ा कि जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि अगर होता है तो आप होता है तो करो, कैसे करेंगे, ऊपर मैंने भी टेबल बताया है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इनिफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, मतलब प्रेजेंट इनिफिनिट नरेशन का नियम क्या होगा कल बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कौन कैसे बदलता है इसके बारे में, जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखना, ये बात कहीं परिवर्तन लिख लो, जैसे बच्चा होता है सेज, सेज टू होगा, सेज टू ये बदलेगा किसमें, टेल्स में, किसमें, टेल्स में, ठीक है। अगर होगा से टू, केवल से होगा और टू, ये केवल बदलेगा किसमें, टेल में, ठीक है, टेल में बदलेगा। यदि अगर होगा सेइंग होगा, क्या होगा, सेइंग, वो बदलेगा टेलिंग में, किसमें, टेलिंग में, सेइंग बदलता है टेलिंग में। और यदि अगर होगा सेड, सेड टू होगा, यहां भी सॉरी टू होगा,
सेड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में, ठीक है। सेज किसमें बदलेगा, मैंने क्या बताया सेज बदलेगा टेल्स में, सेड टू बदलेगा टेल में, सेइंग बदलेगा टेलिंग में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, ठीक है। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए यहीं से, और कल की डेट में मैं आप लोगों को कल की क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट जहां से टेंस परिवर्तन शुरू हुआ है, आपने देखा नोट नंबर 3 से आपका परिवर्तन शुरू हुआ, कैसे, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में परिवर्तन होता है। उसके ऊपर दो नोट थे कि जब हमारी आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तब आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।